बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है आलू का पराठा। नए अंदाज़ में नए तरीके से आलू का पराठा बनाएंगे। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ आलू उबाल लिए और इसे मैच कर लिया। और फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम डालेंगे लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, पिसा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, धनिया बारीक काट के डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे 1 से 2 चुटकी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मसाला तैयार कर लें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे, जिस तरह हम रोटी की डो तैयार करते हैं। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह ये मसाला मिल गया है, मेरी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हल्का सा ऑयल लगा लें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढांप के रख दें ताकि मसाला सही तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब इसकी अच्छी सी एक गोल रोटी बना लेंगे। ये देखें मैंने रोटी बना के तैयार कर ली है। अब इसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तवा गरम करके इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके बाद इसमें पराठा तलने के लिए डाल देंगे। हल्के आंच से बारीक आंच पर इसे पकाएं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, ज़बरदस्त और सॉफ्ट पराठा तैयार होगा। दूसरी साइड पे देखें थोड़ा सा ऑयल लगा के अब इसे मैं पलट दूंगी ताकि ये दूसरी तरह से भी अच्छी तरह से पक जाए। बिल्कुल बारीक आँच पर इसे रखें ताकि सही तरीके से रोटी पक जाए, कच्चा ना रहे। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें हमारा पराठा ऑलमोस्ट रेडी है, बिल्कुल रेडी है। ये देखें मैंने प्लेट में डिश आउट करके आपको दिखा दिया। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्ला, जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।